हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान चौधरी और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सलमान एंड रयान पर। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नई लोकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और इस लोकेशन का नाम है फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वीडियो को आगे देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अगर आप आगरा का टूर का प्लान बना रहे हैं तो आगरा ताजमहल और आगरा फोर्ट की वीडियोस भी मेरे चैनल पर हैं, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। मेरी इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप वहां जाकर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप आगरा जाने का टूर बना रहे हैं तो फतेहपुर सीकरी ज़रूर जाएँ, वहाँ पर जाए बिना वहाँ का टूर अधूरा ही माना जाएगा। फतेहपुर सीकरी वही जगह है जहाँ पर जोधा अकबर और परदेश मूवी जैसी कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं फतेहपुर सीकरी के एक शानदार सफ़र को। यदि आप आगरा से फतेहपुर सीकरी कार से जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पर कार आपको फतेहपुर सीकरी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ेगी, वहां से आपको शटल बस लेनी होगी। और ये आज हम आ गए हैं फतेहपुर सीकरी, आगरा टूर का दूसरा दिन। इस जगह पर आपको अंदर जाने के बाद यहाँ की मस्जिद और मज़ार देखने को मिलेगी। अधिकतर मुगल कालीन जगहों की तरह ये जगह भी लाल पत्थर से बनाई गई है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे दरवाजे और कलाकृतियाँ आपको हैरान कर देंगी। चलिए आपको कुछ फतेहपुर सीकरी के इतिहास के बारे में बताते हैं। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह यहाँ के मुगल साम्राज्य में अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फिर इसे खाली कर दिया गया, शायद पानी की कमी के कारण। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है। मस्जिद की एंट्री 54 मीटर ऊंचे बुलंद दरवाजे से होती है, जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहाँ लोग दुआएँ मांगने आते हैं। आँख मिचोली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, पाँच महल, ख्वाबगा, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती के पुत्र की दरगाह, शाही मस्जिद, अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी के प्रमुख स्मारक हैं। मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को सीकरी नामक स्थान पर हराया था, जो कि वर्तमान आगरा से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह है फतेहपुर सीकरी की मस्जिद। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प के लिए गए हैं। इस मस्जिद में आने के लिए हमें 54 मीटर ऊंचे दरवाजे से होकर आना होता है। अरे यार, कहाँ बैठा है? रयान ने अपने दादा के साथ मस्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को मुख्यालय बनाने के लिए यहाँ किला बनवाया, परंतु पानी की कमी की वजह से राजधानी को आगरा के किले में स्थानांतरित करना पड़ा। क्या देख रहे हो? कहाँ है पहाड़? अबे यार। आगरा से 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। अकबर एक सफल राजा होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने स्वयं अपनी निगरानी में करवाया था, लेकिन यहाँ पानी की बहुत कमी थी, इसलिए केवल 15 साल बाद ही राजधानी को दोबारा आगरा ले जाना पड़ गया। अरे बच्चे भूखे हैं, यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया है ना कुछ ना कुछ। लेकिन रयान में भी फुल एनर्जी है, रयान नहीं खा रहा है। रयान की मम्मा खिलाएगी अभी उसे, देखो एक चम्मच, अभी देखते हैं खाता है या नहीं खाता। डायनासोर है पूरा ये। और फतेहपुर सीकरी का मस्जिद और मज़ार वाला इलाका देखने के बाद हम चल दिए किले की तरफ। बच्चों की तरह पापा और मैं भी एक्साइटेड थे फतेहपुर सीकरी के उस हिस्से को देखने के लिए। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ऐतिहासिक शहर का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। अकबर ने सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया था और इसी वजह से उसने भव्य किले का निर्माण भी करवाया था।
और सन 1573 में यहीं से उसने गुजरात को फतह करने के लिए कूच किया था। गुजरात पर विजय पाकर लौटते समय उसने सीकरी का नाम फतेहपुर रख दिया। तब से यह स्थान फतेहपुर सीकरी कहलाता है। जैसे ही हम फतेहपुर सीकरी में एंटर हुए तो देखा कि वहाँ पर तो एकदम शांत माहौल था। आगरा के किले और ताजमहल के कंपेयर में यहाँ पर बहुत कम भीड़ थी, इसलिए यहाँ पर एक अलग सा ही सुकून मिला। रयान ने सभी बच्चों के साथ मिलकर वहाँ खूब मस्ती की। स्तंभों से युक्त इस घेरे को, जिसे गलती से ऊँटों, हाथियों तथा घोड़ों का अस्तबल कहा जाता था, यह अस्तबल नहीं थे बल्कि दासियों के रहने के आवास स्थल थे। यह महल बीरबल के महल के नाम से विख्यात था, जो हरमसरा का ही एक अंग था। यह कहा जाता है कि अकबर की दो बीवियां यहां पर निवास करती थीं। इस महल की दीवारों पर अंदर और बाहर दोनों की तरफ शानदार कलाकृतियां की गई थीं, जिसे आप देख सकते हैं। एक बड़े चबूतरे पर खंभों एवं मेहराबों से निर्मित इस दो मंजिले मकान का निचले मंजिल में एक कमरे तथा दो प्रवेश हाउस थे। फतेहपुर सीकरी का यह हिस्सा सुनहरे मकान यानी कि मरियम की कोठी के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ के बगीचों को फूलों से सजाकर यहाँ पर आधुनिक रूप भी दिया गया है। यह 5 मंजिला भव्य इमारत है। इस महल का प्रयोग बादशाह द्वारा शाम को हवाखोरी करने एवं चांदनी रात का लुत्फ उठाने में होता था। इस महल की खूबी यह है कि इसमें कुल 176 खंभे हैं, जिनके सहारे यह इमारत खड़ी है। प्रत्येक खंभे पर अलग अलग कलाकृति की गई है। इसकी हर मंजिल अपने निचली मंजिल से छोटी है और सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 स्तंभों पर आधारित एक छतरी है। यह महल मनोरंजन का स्थान था। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर बैठकर शहंशाह गर्मियों की शाम की ताज़ी हवा तथा रात में चांदनी का आनंद लेता था। हरम की बेगमें भी पर्दे वाले रास्ते से यहाँ आती थीं, जो 3री मंजिल से जुड़ा हुआ था। रेहान को फुल मस्ती छा रही है और हैं। हाँ भाई, क्या सर्च कर रहे हो आप यहाँ पर? देखो, तुम गलत साबित हो गए। वो नहीं है ये हिजरत कह रही थी। यहाँ खजाना रखा जाता था। तीन कमरों वाला यह भवन, जो गलती से अब आग मिचोली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। इसकी विशेषता दीवालों से निकली पत्थर की तिरछी धारियां, जो सर्पाकार सूंड वाले जीवों के जबड़ों से निकलते हुए बनाए गए हैं। इसके मूल प्रेरणा स्रोत पश्चिमी भारत के जैन मंदिर हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था, जो संभवतः बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। एक समय था जब मुगल सम्राट अकबर आम जनता का मनोरंजन करते थे, जबकि अन्य राजघरानों के लिए आरक्षित थे। दीवाने खास या निजी दर्शकों का हॉल ऐसे अवसरों के लिए बनाया गया था। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। इसका मतलब ये कि वो धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे। यह वही स्थान है जहां पर अकबर विभिन्न धर्मों से संबंधित विद्वानों को धार्मिक चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया करते थे, और इस ऊपरी हिस्से में अकबर खुद बैठा करते थे। अकबर को इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों के बारे में जानने में भी रुचि थी, और यही सबसे बड़ी वजह है कि फतेहपुर सीकरी में सभी धर्मों की कलाकृतियाँ देखने को हमें मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि दीवाने खास का इस्तेमाल कभी सोने, जवाहरात और अन्य कीमती वस्तुओं के लिए किया जाता था, और यहीं पर अकबर अपनी धार्मिक चर्चाएं भी किया करता था। लाल पत्थर से बने इस भव्य मंडप में एक कमरा है, जिसके चारों ओर अलंकृत स्तंभों वाले बरामदे हैं। इसके अंदर और बाहर फूल पत्तियों के डिजाइन बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर यह लगता है कि यह लकड़ी की सजावट का बना हुआ है। कुछ समय बाद इसको उत्तर पश्चिम में आवदार खाना लड़कियों के मदरसे से एक बरामदे द्वारा जोड़ दिया गया। इसका निर्माण 1575 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में जोधा अकबर और
परदेश जैसी कई मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। इस जगह को दीवान खाने खास और ख्वाबगाह कहा जाता है। यह शाही निवास था जिसमें भूमि तल पर दो कमरे तथा ऊपरी मंजिल पर एक खुला मंडप था। निचली मंजिल पर बने कमरों व आलों में संभवतः किताबें व एल्बमें रखी जाती थीं। और फतेहपुर सीकरी घूमकर रैन पूरा थक चुका है, अपने दादा की कमर पर चढ़ा हुआ है। ये देखो, फतेहपुर सीकरी के लिए जहाँ से शटल बसें मिलती है वहाँ पर एक बाज़ार भी है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ यादगार चीज़ें खरीद सकते हैं। फतेहपुर सीकरी की शानदार विजिट के बाद हम निकल पड़े वापसी आगरा के लिए, और इस बार भी हम बस में ही जा रहे थे और रेयान बड़ा खुश हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।